Good afternoon and welcome to UGC NET Ara 247. I am Professor Ashwarya Puri. Welcome to my class. Uh, आज की class भी कल की तरह बहुत interesting रहने वाली है, जहाँ पे हम linguistics के कुछ important terms करेंगे. And I really hope कि linguistics के इफ़ नॉट ऑल देन एटलीस्ट हम एटलीस्ट मेजर कुछ टर्म्स जो हैं जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगी हम उनको कवर कर लेंगे ठीक है लिंग्विस्टिक टर्म्स से शुरू करते हैं मैंने ये नोट्स अरेंज किए हुए हैं एल्फेबेटिकली जो आपका टेलीग्राम है वहाँ पर मैं ऑलरेडी इस इस पी डी एफ को शेयर कर चुकी हूँ तो यू कैन रिट्रीव इट फ्रॉम देअर ऑल दो द नोट आर अरेंज इन

चलिए सो so, आज का टॉपिक है लिंग्विस्टिक्स टर्म्स सो so, सबसे पहली टर्म है हमारे पास लिंग्विस्टिक्स लिंग्विस्टिक्स असेंशली इज़ द स्टडी ऑफ लैंग्वेज इन वेरी सिंपल डेफिनेशन इट इज़ द स्टडी ऑफ लैंग्वेज इसकी जो शुरुआत है वो नाइनटीन uh, सेंचुरी के बिगिनिंग में होती है अफकोर्स उससे पहले भी वर्ड्स फमेशन या वर्ड्स का क्रिएशन या फिर वर्ड्स को डायक्रॉनिकली uh, uh, देखना वर्ड्स को जो है ओवर द इयर्स ट्रैक करना उसकी कन्वर्जनस को उसके एवोल्यूशन को स्टडी करना ये सब चीज़ें पहले भी चल रही थी लेकिन लिंग्विस्टिक्स बिकम्स अ मेजर फील्ड पर्टिकुलरली विद द कमिंग ऑफ फर्डिन सोशोर सीन बिकॉज ही बेसिकली प्रपोज द आइडिया ऑफ स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक्स स्ट्रक्चरल लिंग्विस्टिक्स में वो लैंग्वेज को एज अ स्ट्रक्चर स्टडी कर रहे हैं वो उसको डायक्रॉनिकली नहीं बल्कि उसको

जम पढ़ा था मैंने आपको उनकी जो थियोरी है ऑन लैंग्वेज वो मैंने आपको असेंशली समझा दी थी उसके बाद जो है बहुत सारे थियोरीज दे कम इन लाइन इन लिंग्विस्टिक्स एक एक पूरा एक, एक, एक लजिटमेट फॉर्म ऑफ डिसिप्लिन बन जाता है और वहाँ से हमारे पास बहुत सारी और थियोरीज निकल आती हैं इसमें सम ऑफ द ग्रेटेस्ट थियोरीज दैट वी हैव आर और राधा वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सनैलिटीज़ दैट वी हैव इन दिस रिगार्ड इस नाम चोम्स की जिन्होंने अपना जनरेटिव ग्रामर का थियोरी दिया था जनरेटिव ग्रामर की थियोरी में उन्होंने कहा था कि लैंग्वेज असेंशली हमारे अंदर इन्ेटली Uh, जो है अवेलेबल होती है या फिर सभी ह्यूमंस में क्योंकि हमने लैंग्वेज को अपने लिए अपने यूज़ के लिए डेवलप किया है तो ओवर ईयर्स एवोल्यूशनरी प्रोसेस से गुजरते हुए अब प्रॉबली इसका एक डिवाइस है सॉर्ट sort ऑफ of, जो फर्स्ट लैंग्वेज को अक्वायर करने में हमें मदद करता है जो हमारे ब्रेन में कहीं फिट है और एक सेंस ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर की कॉन्सेप्ट की उन्होंने बात की जहाँ ने जहाँ पर उन्होंने कहा कि ऑल ओवर द वर्ल्ड अब जितनी भी लैंग्वेजेस देख रहे वो चाहे कितनी भी अलग है डिफरेंट है एक दूसरे से उसके बावजूद ऑल ऑफ देम आर बेस्ड ऑन सर्टन सिमिलर प्रिंसिपल सिमिलर फाउंडेशन एंड दैट इज़ द रीज़न कि हम एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्जन कर सकते हैं ट्रांसलेन कर सकते हैं <coughs> तो जेनेटिव ग्रामर के साथ यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की भी बात करूंगी थ्योरी किसने दी थी हमें नाम ने ठीक है ये, क्योंकि आई थिंक रिसेंटली भी पेपर्स में पूछा गया यह कई बार रिपीटेड हमारा क्वेश्चन है जो हमें पेपर्स में देखने को मिलता है आइए अब हम अल्फाबेटिकली शुरू कर देते हैं अपनी क्लास को तो so, सबसे पहले मैं यहां पे देख रही हूं वर्ड बी बेस सो बेस एक्चुअली मॉर्फोलॉजी का एक एलिमेंट है मॉर्फोलॉजी की बात कर लेते हैं पहले क्या होता है मॉर्फोलॉजी मॉर्फो वर्ड कहीं पे भी आएगा इट मीन्स द बॉडी ऑफ समथिंग द स्ट्रक्चर ऑफ समथिंग सो मॉर्फोलॉजी में हम वर्ड्स के स्ट्रक्चर्स और वर्ड्स फॉर्मेशन को स्टडी करते हैं कि एक इंडिविजुअल वर्ड um, कैसे इनक्ट uh, करता है एक सेंटेंस में uh, दो वर्ड्स को कंबाइन करके उनकी कंपाउंडिंग करके हम कैसे न्यू वर्ड्स की क्रिएशन कर सकते हैं ये हम मॉर्फ़ोलॉजी में स्टडी करते तो मॉर्फोलॉजी में मॉर्फोलॉजी की स्टडी में जो एक बेसिक यूनिट है वर्ड का जो एक सिंगुलर मीनिंग कर पा रहा है या फिर वो सिंगुलरली कोई फंक्शन जो है कन्वे कर पा रहा है उसको हम मॉर्फीम बोलते हैं ठीक है तो मॉर्फीम एक ऐसा सिंगुलर uh, यूनिट है जो या तो कोई सिंगुलर मीनिंग कन्वे कर पा रहा है या फिर उसका कोई एक सिंगुलर ग्रामेटिक फंक्शन है फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ आई से वर्ड नेशन नेशन मीन्स अ कंट्री अगर मैं नेशन के पीछे ए एल लगा दूँ तो वो बन जाएगा नेशनल इट विल बिकम अ सेपरेट वर्ड तो यहाँ पे नेशन एक सिंग एक एक मरफीम है ए एल अल यहाँ पे हमारा दूसरा मरफीम हो गया तो ऐसे में हम देखें इस पूरे वर्ड में आपका नेशन आपका मेजर मेन मरफीम है ये वो सिंगुलर वर्ड है जो एक मीनिंग कन्वे करने की कैपेसिटी रख रहा है अबिलिटी रख रहा है इसे आप हम अपना बेस मरफीम बुलाएंगे राइट <coughs> सो <Right. coughs> so, ये जो बेस मॉरफीम है आपका ये आपके दूसरे मॉर्फींस के साथ जुड़ के ऑफकोर्स एक सेपरेट मीनिंग दे सकता है लेकिन इंडिविजुअली भी ये आ, अपने आप में एक मीनिंग कन्वे कर रहा होता है नेक्स्ट आ जाता है इसमें कार्डिनल वावल्स कार्डिनल वावल्स के बारे में आई थिंक वंस और ट्वाइस यू जी सी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है कार्डिनल वावल्स की जो आ, ये जो डिस्टिंगशन है वो करने वाले फिनेटिशियन थे डेनियल जोन्स डिनिल जोन्स ने असेंशली ये तीन तरीके के वबल्स साउंडस आइडेंटिफाई किए थे अब आई एम सॉरी आई रेली मुझे uh, क्या कहते हैं इंटोनेशंस या फिर ट्रांसक्रिप्शन uh, मुझे नहीं पता है सो so, मुझे एक्जैक्टली exactly नहीं आइडिया कि कैसे मैं प्रोनाउंस करूँ ने बट आप देखें वाबल्स साउंड जो आई ए या ऊ की हैं ये जो साउंड हैं आपकी ये इनको उन्होंने कार्डिनल वावल्स बोला है कार्डिनल वावल्स असेंशली वो वावल्स हैं जिनको प्रोनाउंस करते वक्त आपकी टंग आपके माउथ में एक्सट्रीम पोजीशन होल्ड कर लेगी या तो कोई एक्सट्रीम फॉरवर्ड एक्सट्रीम बैक एक्सट्रीम टॉप एक्सट्रीम बॉटम सो आप लोग एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं आप बोल के देखो ए या फिर आय या फिर ऊ जब आप ऊ बोलोगे या आय बोलोगे आप देखोगे आपकी टंग बिल्कुल बैकवर्ड चली जाएगी जब आप ए बोलोगे तो आपकी टंग जो है बैक एंड अपवर्ड्स चली जाएगी तो आपकी टंग एक बहुत ही एक्सट्रीम पोजिशन होल्ड कर लेती है तो इनको हम कार्डिनल वावल्स uh, बोलते हैं कार्डिनल वावल्स को ये जो आपके तीन मेजर कार्डिनल वावल्स हैं आप इनसे आगे फर्दर कुछ साउंड्स डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं जो हमारे लिए कैटेगोरिकल बन जाते हैं वाइल स्टारिंग वावल साउंड्स इन लिंग्विस्टिक्स सो कार्डिनल वावल्स ये आपका हो गया है uh, आपको कार्डिनल वावल्स का जो क्वेश्चन पास में एक जो मुझे अच्छे से ध्यान आ रहा है वो एक लंबा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था और उसके अंदर आपको uh, एक स्टेटमेंट दी थी डेनियल जोन्स का नाम भी उसमें मैंशन था तो आपको आई थिंक उसका आइडेंटिफिकेशन करना था कि ये किस कॉन्सेप्ट के बारे में बात हो रही है तो वो कार्डिनल वाबल्स के बारे में बात हो रही थी नेक्स्ट <coughs> आ जाते हैं कोहेसिव डिवाइसेस कोहेशन एडहेशन हमने आई थिंक स्कूल लेवल साइंस में पढ़ा है कोहेशन इज व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर ऑफ द सिमिलर काइंड दे आर ग्लू टुगेदर दे जॉइन टुगेदर एडहेशन इज व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स व्हेन दे आर ग्लू टुगेदर व्हेन दे आर ब्रॉट टुगेदर दैट इज़ कॉल एडहेशन जैसे कि फेविकॉल वगैरह को हम लोग एडहेसिव सब्सटेंस कहते हैं तो कोहेसिव डिवाइसेस क्या है हमारे वो लिंग्विस्टिक पार्ट्स लैंग्वेज के या फिर हमारे सिंटैक्स के वो स्ट्रक्चर्स जो सेंटेंस को ज्वाइन करने में मदद करते हैं ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं हमारे पास ग्रामेटिकल जिनका फंक्शन है पूरे सेंटेंस को टुगेदर होल्ड करना ग्लू करना फॉर एग्जांपल आपके सेंटेंस में आपके प्रेपोजिशनस कन्जंक्शंस प्रोनाउंस ये सारे वर्ड्स जो हैं इनका फंक्शन है सेंटेंस को एक पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर प्रोवाइड करना जैसे कि अगर मैं बोल रही हूँ राम इज़ अ गुड बॉय ठीक है या फिर द बुक इज़ लाइंग ऑन द टेबल कैट इज़ सिटिंग बिनीथ द टेबल तो इस तरीके से जितने भी वर्ड्स आपको पोजिशन बता रहे हैं या फिर सेंटेंस में मीनिंग को और क्लैरिटी दे रहे हैं और क्वालिफिकेशन दे रहे हैं इनको हम को कोहैसिव डिवाइसेस बुलाते हैं नेक्स्ट आ जाता है कोड स्विचिंग कोड स्विचिंग इज मूविंग फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर विद इन अ सिंगल सेंटेंस और फ्रेज़ ठीक है सो so, uh, ये अक्सर होता है तब जब uh, एक इंडिविजुअल जो है एक मेन uh, लैंग्वेज का स्पीकर है उसको किसी दूसरी लैंग्वेज की भी नॉलेज है अगर आप मल्टी लिंग्वेल हैं या बायोग्वल हैं तो ऐसे में क्या होता है जैसे कि अब आज नॉर्मली uh, इवन

To another in the same sentence or in that same speech factor, that is known as code switching. कोर्ड स्विचिंग इज गवर्न बाय फेली स्ट्रिक्ट रूल्स कंसर्निंग द पॉइंट्स इन अ सेंटेंस इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट दैट ग्रामेटिकली बोथ द लैंग्वेजेस दैट वी आर लुकिंग एट जहाँ पे स्विचिंग हो रही है दोनों लैंग्वेजेस में ग्रामेटिकल नॉर्म्स जो हैं वो एग्जैक्टली exactly तरीके से फॉलो हो रहे हो ऑल्सो uh, दोनों लैंग्वेज उस वक्त जो ग्रामेटिकल या जो भी वर्ड्स आप स्विच करेंगे वो अपना नेसेसरी ग्रामेटिकल फंक्शन अच्छे से पूरा करें ये भी इसमें हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है हाँ पढ़ाते पढ़ाते पंजाबी तो नहीं बोली मैंने कभी लेकिन हा हिंदी इंग्लिश हम डेफिनेटली स्पिच करते हैं नेक्स्ट <coughs> हमारे पास यहां पे वर्ड है क्रियोल। क्रियोल को समझाने से पहले मैं पिजन समझाना चाहूंगी Pidgin essentially is a new category or a new breed of language that forms when two languages that are mutually exclusive come together.

जाते हैं फॉर ट्रेड एंड बिजनेस सो इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट यू नो बिटवीन दे हैड टू फाइंड अडल ग्राउंड सो वो जो इनिशियल इंटरक्शन से जो एक नई सॉर्ट ऑफ एक डायलेक्ट बनती है उसे हम पिजन कहते हैं पिजन इज अ फॉर्म ऑफ अ डायलेक्ट, बिकॉज उसको अभी तक हम उसकी स्क्रिप्ट नहीं है पिजन जब एक जगह रहते हुए एक पिजन जब ओवर द इयर्स इवॉल्व करते करते डायलेक्ट से लैंग्वेज का स्टेटस होल्ड कर लेती है अक्वायर कर लेती है यानी कि अब वो जो पिजन है अब उसमें एक खुद की स्क्रिप्ट है आपके ऑफिशियल वो लैंग्वेज आ रही है आपके टीवी में रेडियो में मीडिया में उस लैंग्वेज को यूज कर रहे हैं एवरी डे स्पोकन लैंग्वेज में वो लैंग्वेज अगर यूज हो रही है इन दैट केस इट बिकम्स अल ठीक है सो <coughs> so, जैसे मैंने आपको बताया पापा न्यूगिनिया आन में initially with the english speaking colonizers when they reached there so they were able to create a pigeon out of the initial interaction between the two native speakers however over years this new creole formed there which is known as tok pisin now tok pisin is become a new language here एंड इट हैज़ इट्स ओन ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर इट हैज़ इट्स ओन लेक्सिकॉन एंड ये एक ऑफिशियली मतलब उनकी गवर्नमेंट के थ्रू वो ऑफिशियली रिकोगनाइज लैंग्वेज वहाँ की बन गई है सो पिजन और क्रियोल में बेसिक डिफ्रेंस होता है तो यहाँ से एक और क्वेश्चन आता है कि डायलेक्ट और लैंग्वेज में क्या डिफरेंस होता है सो लैंग्वेज इज बेसिकली एनी थिंग दैट इज़ रिटन और स्पोकन एंड इट इज़ गवर्न बाय अ सर्टन सेट ऑफ रूल्स dialect on the other hand uh, it, can, it is spoken but while it is written or, or simply put i'll change my sentence a dialect is uh, a multiple uh, it, 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 uh, it is the multiple variations of a single language with the difference being that a language will have its own script but a dialect will not have its individual script राइट डायलेक्ट्स आर फॉर्म्ड ड्यू टू से जोग्राफिकल और कल्चरल वेरिएशन्स दे आर फॉर्मड आउट ऑफ अ सेम मदर लैंग्वेज हाउ एवर द लैंग्वेज स्क्रिप्ट और वॉट यू राइट डज नॉट चेंज फॉर एग्जाम्पल हम अगर बात करें जैसे मैं अपने हरियाणा की बात करूँ मतलब हरियाणा में ही uh, हमारे पास हरियाणवी जो अपने आप में एक डायलैक्ट है uh, वो ऑफकोर्स मनी नेटिव हिंदी स्पीकर वुड नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड इट वैन अ पर्सन स्पीक्स इन थिक हरियाणी एक्सेंट हावएर उस डायलैक्ट को अगर आप लिखेंगे या फिर जो न्यूज़ पेपर्स आ रहे हैं वो हिंदी में ही आ रहे हैं चाहे उसमें डायलैक्ट जो है वो हरियाणवी यूज़ हो रही हो राइट right? सिमिलरली आप uh, और जितनी भी आप अपनी अपनी, अपनी स्टेट्स में भी रिकोगनाइज कर सकते हैं कि आपकी स्टेट की जो भी एक लीडिंग लैंग्वेज है अगर आपकी स्टेट में मान लो थर्टी डिस्ट्रिक्ट तो आपके कुछ फाइव डिस्ट्रिक्स एक सर्टन सेट ऑफ़ डायलेक्ट बोल रहे होंगे उसी लैंग्वेज का सर्टन सेवन डिस्ट्रिक्स कुछ और डायलेक्ट बोल रहे होंगे उसी रीजन का तो कल्चरल और जियोग्राफिकल वेरिएशन की वजह से एक ही लैंग्वेज में हमें वेरिएशन देखने को मिलती है बट ये वेरिएशन स्पोकन वेरिएशन्स बन जाती है एक्सेंशुअल वेरिएशन बन जाती हैं रिटन वेरिएशन नहीं बनती एंड स्क्रिप्ट की रूल्स में कोई चेंज नहीं आता है ठीक है डायलेक्ट <coughs> से हमारा एक और वर्ड हम डिराइव करते हैं जिसे हम कहते हैं ईडियोलेक्ट ईडियोलेक्ट इज द इंडिविजुअल यूज ऑफ लैंग्वेज तो एवरी इंडिविजुअल यूजेज लैंग्वेज एज पर इट्स ओन अंडरस्टैंडिंग कन्वीनियंस कॉम्पिटेंस एट्सट्रा अफकोर्स हमने कॉम्पिटेंस वर्ड भी मैंने लिंग्विस्टिक्स की जो क्लास पास में क्लास ली है उसमें हमने कॉम्पिटेंस टर्म को भी समझा है कि हर इंडिविजअल जो 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 भी उसकी लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग है वो फाइनली अब उसको परफॉर्म कैसे करेगा वो डिफरेंट हो जाता है तो फॉर एग्जाम्पल इफ ये

नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कॉर्पस कॉर्पस एसेंशियली स्ट्रक्चर्ड एंड प्रिंसिपल्ड कलेक्शन है डेटा का ऑफ अ पर्टिकुलर लैंग्वेज जनरली इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आई टी रेवोल्यूशन आ जाने से एक बहुत ही अच्छी चीज़ जो हुई है वो ये है कि अब हम लिंग्विस्टिक टर्म्स या लिंग्विस्टिक एस्पेक्ट्स को लिंग्विस्टिक फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर्स को और ज़्यादा डीपली समझ सकते हैं उनको अपनी वाइडर वेरिएशन में समझ सकते हैं बिकॉज़ अब ये जो कंप्यूटर्स हैं या ये जो आई टी टेक्नोलॉजी है ये बेटर तरीके से लार्ज नंबर ऑफ इंफॉर्मेशन को होल्ड कर सकती है सो so, इसे हम बोलते हैं corpus. The most famous corpus for historical forms of English is the Helsinki Corpus of English. Next, hai Generative Linguistics. जेनरेटिव लिंग्विस्टिक्स इज डिराइव फ्रॉम जेनरेटिव ग्रामर जिसमें अगैन हम वही बात कर रहे हैं कि एवरी इंडिविजुअल हैज़ अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज एंड इट्स लिंग्विस्टिक कॉम्पोनेंस एट्सेट्रा एंड विद दैट ही इज एबल टू क्रिएट अ कॉन्शियसनेस अराउंड दैट लैंग्वेज एंड दट कॉन्शियसनेस प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल वैन दैट पर्सन इज़ पुटिंग दैट लैंग्वेज इन टू Use. So, ये जो सारा एक इंडिविजुअल का जो एक कॉन्शियसनेस बिल्ड uh, होता है या एक अनकॉन्शियस बिल्ड हो बिल्ड होता है विद अ लैंग्वेज एंड हाउ ही पुट्स इट इन टू यूज हाउ ही अप्लाइज़ इट वेन ही हैज टू यूज इट ये सब कुछ हम जनरेटिव लिंग्विस्टिक्स में समझते हैं जनरेटिव <coughs> लिंग्विस्टिक्स uh, में असेंचुअली हम ये भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे लैंग्वेज में हमें सर्फेस स्ट्रक्चर्स और डीप स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं सरफ़ेस और डीप स्ट्रक्चर्स का कॉन्सेप्ट भी हमें चॉम्सकी से मिला है मैं आपको बता दूं, और इसके ऊपर भी मैं एक यूजीसी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन I'm able to recall a UGC ka previous year question where there was a whole statement, a long statement, a long definition given, and you had to identify what they were talking about. So they were ta essentially talking about uh, the deep structures and surface structures of language. Is me ham essentially ye keh rahe hain ki essentially ab jo idea convey karna chahte ho, wo apke डीप स्ट्रक्चर्स में रूटेड होता है लेकिन अब आप आप उस आइडिया को कन्वे कैसे करते हो वो ग्रामेटिकल वेरिएशंस के अकॉर्डिंगली वेरी कर सकता है वेरिएबल हो सकता है जैसे कि अगर मैं एक मैं कहना चाहती हूँ कि राम चिट्ठी लिख रहा है सो so, राम इज राइटिंग अ लेटर लेटर इज बीग रिटन बाय राम बोथ ऑफ दीज थिंग्स दे मीन द सेम थिंग ऑफकोर्स यहाँ पर मैंने वॉइस को चेंज कर दिया है बट दोनों ही सेंटेंसेस में जो सेंट्रल मेरा मीनिंग है या जो डीप आइडिया है जो मैं कन्वे करना चाह रही थी वो मेरा चेंज नहीं हुआ सो so, एक साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग थी एक अनकॉन्शियस था उस आइडिया का जिसको मैं कन्वे करना चाह रही थी उसको मैंने कन्वे कर दिया है बट ऑफकोर्स लैंग्वेज के रूल्स की वेरिएशन की वजह से अब अलग अलग तरीके हैं जिसके थ्रू मैं उसको प्रजेंट कर सकती हूँ सो so, ये जो ब्रांचिंग होती है फ्रॉम द रूट लेवल टू द ब्रांचिंग लेवल इसे हम स्ट्रक्चर और सर्फ स्ट्रक्चर में स्टडी करते हैं क्लियर नेक्स्ट वी आर गोइंग टू लुक एट होमोफोन ये दो तीन एक साथ अभी हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज रहते हैं इसमें मैं भी रहती थी शायद मैं अभी तक भी रहूंगी मतलब मैं भी अगर पेपर देने जाऊंगी तो मैं शायद इन चीजों में कंफ्यूज रहूंगी तो दिक्कत की बात नहीं हम क्या करते हैं हम इसको पढ़ने के लिए डायग्राम का यूज करेंगे होमोफोन होमोग्राफ एंड दैन वी हैव होमोनिम्स सो आई थॉक इट वुड बी बैटर इफ़ visually कुड लर्न इट विजुअली बिकॉज विजुअलीन टू लर्न दीज थिंग्स बैटर अगर आपको लगता है कि कुछ ऐसा है आपकी लाइफ में कि आप इस चीज़ को जो है कवर नहीं कर पा रहे हो या फिर आपको प्रॉब्ली से आप इस चीज़ को लर्न नहीं कर पा आप इसको लर्न नहीं कर पा रहे हो तो आप कोशिश कर सकते हो इस इस चीज को इंटरनलाइज करने की इस पिक्चर को मेमोराइज करने की बिकॉज आई थिंक ये काफ़ी ज्यादा परफेक्ट होगा सो वी हैव थ्री डिफरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ होमोफोन होमोनिम एंड होमोग्राफ होमोफोन फोन वर्ड का क्या मतलब है है फोन वर्ड से आप साउंड पे आ जाते हो होमो का मतलब क्या होता सेम सो so, जब हम कुछ वर्ड्स देख रहे हैं जिनका साउंड सेम है पर उनका स्पेलिंग जो है वो डिफरेंट हो सकता है फॉर एग्जाम्पल नो एंड नो के एन डब्ल्यू नो एंड एन ओ No, these are two separate words with two separate meanings also, but they have the same sound eight and eight. So, this is for eight, and this is for eat ka past tense. So, again, poor.

और स्पेलिंग भी बिल्कुल सेम होगा यानी उनका जो वर्ड का जो स्ट्रक्चर है वो भी सेम है और उनका जो है साउंड भी सेम होगा बट दे कैन मीन टू सेपरेट थिंग्स फॉर एग्जाम्पल

निम्स बुलाते हैं निम वर्ड से आप समझ रहे हो यहाँ पे कि इनका जो मीनिंग सॉरी इनका जो स्ट्रक्चर है वो भी यहाँ पे सेम हो जाएगा नेम भी इनका सेम है राइट थर्ड हमारे पास आ जाता है होमोग्राफ होमोग्राफ में क्या होता है वर्ड की स्पेलिंग सेम होती है लेकिन उसके बावजूद उनकी जो प्रानंसिएशन है वो डिफरेंट हो सकती है जैसे कि दो वर्ड्स हैं यहाँ पे बास एंड बेस जैसे कि आपका जो स्पीकर का बेस होता है उसके लिए भी आप बेस नहीं बोलते हो आप उसके लिए लिखते हैं ये बी ए डबल एस हो बट आप प्रोनाउंस उसको बेस कर रहे होते हो ठीक है टाई और बो वाला बो ठीक है और एक दूसरा है टू टू बाओ डाउन सो बाओ एंड बो राइट एंड द अदर वन इज एक आंसू वाला टीयर और एक किसी चीज को फाड़ने वाला टियर सो टय एंड टे टेर एंड ट्य ये दो अगेन सिमिलर हमारे स्पेलिंग्स हैं इनके पर इनका साउंड्स डिफरेंट है और मीनिंग्स डिफरेंट है इस तरीके के वर्ड्स को हम लोग होमोग्राफ्स बुलाएंगे सो so, मैं आपको सबको यही सजेस्ट करना चाहूँगी कि <laughs> कोशिश करो आप इसी चीज़ को दो तीन बार पढ़ लो कि इसकी पिक्चर मेमोरी डेवलप हो जाए बिकॉज मुझे भी अपने एग्जाम्स के टाइम ये चीज़ें बहुत कंफ्यूजिंग लगती थी मैं एक्चुअली पूरा लिंग्विस्टिक्स छोड़ गई थी मैंने नहीं पढ़ा था इसको तो आप लोग ऐसा मत करना यार आप लोगों को कोई पढ़ा रहा है और आपको कोई ये सजेशन दे रहा है तो आप इसको ले लो मे को उस टाइम कोई था नहीं इतना गाइड करने के लिए नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कॉन्सेप्ट ऑफ पॉली सेमी पॉली वर्ड का मतलब होता है मैन मैनी सेमी वर्ड का मतलब होता है मीनिंग तो यहां से एक और बात हम याद कर लेते हैं सिमेंटिक्स एक वर्ड आपको ध्यान होगा सेमी से एक और वर्ड जोड़ लो सिमेंटिक्स इज द स्टडी ऑफ मीनिंग काइंडली डिफ्रेंशिएटेड विथ सेमियोटिक्स। सेमियोटिक्स इज द स्टडी ऑफ साइन सेट एग्जाम्स में भी बहुत पूछा जाता है नेट में भी पूछा जाता है तो काफी यूजफुल गुड आफ्टरनून राइट सो पॉलीसेमी पॉलीसेमी इज वेन वर्ड कैन हैव सिंगल वर्ड कैन हैव मोर दैन मीनिंग्स बेस्ड context in which it is used in a in separate sentences for example the word bright ब्राइट वर्ड आप दो तरीके से यूज़ कर सकते हो कि उनका उनका बेटा बड़ा ब्राइट है शी इज़ अ ब्राइट स्टूडेंट इन द क्लास मतलब शी इज़ एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट द अदर वर्ड द स्टार्स आर शाइनिंग सो ब्राइट हाई अप इन द स्काई सो शाइनिंग वर्ड के लिए शाइनिंग के लिए भी ठीक है द स्टार्स द ब्राइट स्टार्स आर शाइनिंग अप इन द स्काई स्काय ब्राइट ऑल्सो स्टैंड फॉर शाइन इट ऑल्सो स्टैंड फॉर इंटेलिजेंट सो सेंटेंस के डिफरेंस के बेसिस पर आपका जो मीनिंग है वो वेरिएबल हो जाता है उसी सेम वर्ड्स से कुछ वर्ड्स होते हैं जो मोनोसिमेंटिक होते हैं मतलब वो एक वर्ड एक ही मीनिंग कन्वे करेगा वो कोई और दूसरा मीनिंग कन्वे कर ही नहीं सकता फॉर एग्जाम्पल वर्ड्स लाइक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ये बहुत ही स्पेसिफिक फॉर्म्स ऑफ नाउन होते हैं और इनका मोर देन वन मीनिंग आप इनको कितने भी टाइप के सेंटेंसेस में यूज़ कर लो आप इनका मीनिंग वेरिएबल नहीं कर सकते हो पॉलीसीमेटिक uh, वर्ड्स जो है ऑफकोर्स उनका मीनिंग जो है वो सेपरेट uh, हो सकता है अलग अलग सेंटेंसेस में जिस तरीके से भी वो यूज़ हो

नेक्स्ट आइए लिंग्विस्टिक्स हम लोगों ने स्टडी कर दिया था द नेक्स्ट वर्ड इज लोन वर्ड लोन वर्ड इज बेसिकली लोन क्या होता है कर्जा आप कर्जा उठाते हो किसी से आपके पास पैसे की कमी है आप किसी से लोन पे पैसा ले लोगे आप उनसे पैसा उधार कर लोगे सो so, ये भी उधारी के शब्द हैं उधारी वर्ड्स सो असेंशली फॉर एग्जाम्पल बाज़ार बाजार वॉज इट इज अ आई एम नॉट श्योर इफ इट इज़ अ उर्दू ओरिजिन वर्ड और प्रॉपर हिंदी सो एस्ट्रो से बट हम बोलते हैं चलो हिंदुस्तानी में हिंदुस्तानी डायलैक्ट में हम बाज़ार वर्ड की बात कर रहे हैं नाउ इट इज़ बिन एडिड टू दी इंग्लिश लैक्सिकॉन सो आप अगर इंग्लिश की ब्रिटिश डिक्शनरी खोलेंगे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी खोलेंगे उसमें आपको बाजार वर्ड देखने को मिलेगा एंड इट इज़ बिन बोड फ्राम हिंदुस्तानी राइट सो एनी वर्ड दैट यू बोरोज़ इट इज़ फ्राम अनदर लैंग्वेज इट इज़ कॉल्ड लोन्ड वर्ड फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वर्ड कार्डियाक है कार्डियक वर्ड हम इंग्लिश में कार्डियक अरेस्ट कार्डियक अटैक कार्डियक डिजीजेस वर्ड कई बार यूज करते हैं इट स्टैंड हार्ट एक्चुअली इट इज द ग्रीक इक्विवेलेंट ऑफ हार्ट कार्डियक इज इन ग्रीक इट मीन हार्ट तो हमने एज इट इज ए ग्रीक वर्ड को फॉरो कर लिया है ग्रीक लैंग्वेज से इन टू इंग्लिश एंड नाउ वी यूज इट एज इट इज इन लेक्सिकॉन सो दिस इज कॉल्ड लोन वर्ड्स एलिमेंट्स इन द सोसाइटी पर्टिकुलरली बिकॉज उनका थ्रू जनरे जो यूजेज है उनका जो एप्लीकेशन है दे स्टार्ट टू हैव सम काइंड ऑफ टैबू कॉनोटेशंस उनके कुछ सेपरेट मीनिंग्स uh, निकल आते हैं जो कि सोसाइटी में टैबू होते हैं जनरली रेफरिंग टू सेक्स और सेक्शुअल प्रैक्टिस ठीक है सो so, इन्हें हम लिंग्विस्टिक uh, टैबू बुलाते हैं द नेक्स्ट इज लैंगज डेथ लैंग्वेज डेथ इज नथिंग एल्स बट द डेथ ऑफ अ लैंग्वेज मैं लैंग्वेज बिकम्स इ रेलिवेंट और नॉट स्पोकन एनी मोर इट 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 सीजेस टू बी इन यूज एब्सोल्यूटली फॉर एग्जाम्पल एंग्लो सैक्सन आप उठा लीजिए हम लोग अपने लिटरेचर के सिलेबस में एंग्लो सैक्सन एज पढ़ते हैं एंग्लो सैक्सन लैंग्वेज के बारे में बात करते हैं आपकी जो एपिक पोएम है बियो फॉर एग्जांपल इट इज़ द ओनली सर्वाइविंग कंप्लीट एपिक फ्रॉम द एंग्लो सैक्सन एज इट इज रिटन इन एंग्लो सैक्सन इंग्लिश टुडे एंग्लो सैक्सन इंग्लिश इज नॉट इन यूज एनी मॉर इट इज अ डेड लैंग्वेज अनदर एग्जाम्पल इज लैंग्वेज मैंग्स मैंग्स ऑन द आइल ऑफ मैन ये लैंग्वेज राइट इन दिडल ऑफ ट्वेंटी सेंचुरी इट सीज टू बीज डेड लैंग्वेज हो गई थी आइल ऑफ मैन पे ये लैंग्वेज पहले बोली जा रही थी अब ये लैंग्वेज uh, uh, है फैमिली ऑफ गेलिक लैंग्वेज गेलिक लैंग्वेज की एक फैमिली को बिलोंग करती एक लैंग्वेज थी आज की तारीख में ये एक डेड लैंग्वेज है लिंग्विस्टिक वेरिएबल्स सॉरी लिंग्विस्टिक यूनिवर्सल्स लिंग्विस्टिक यूनिवर्सल्स स्टैंड फॉर

तो उसको मैं इंग्लिश में, में ट्रांसलेट कर सकती हूँ एज राम इज राइटिंग अ लेटर अब मेरे पास राम के लिए मैं एज इट इज़ उसको कॉपी कर लूंगी लेटर के लिए मेरे पास चिट्ठी वर्ड है लिखने के लिए मेरे पास राइटिंग वर्ड है और ये दोनों ही दोनों ही लैंग्वेजेस में ये दोनों ही जो इंडिविजुअल वर्ड्स हैं एक ग्रामेटिकल पोजिशन होल्ड कर रहे हैं एक सब्जेक्ट है जो एक ऑब्जेक्ट पे एक एक्शन कर रहा है राम लेटर पे क्या एक्शन कर रहा है कि वो उसको लिख रहा है है ना तो यहाँ पे संज्ञा है वो क्रिया कर रही है इट स्टैंड सेम वो नाउ

दे स्टिल टॉकिंग इन लैटिन सो लैटिन इज नॉट अ डेड लैंग्वेज इट इज़ अ क्लासिकल लैंग्वेज बट इट इज़ नॉट अ डेड लैंग्वेज तो इस लॉजिक से तो फिर आप संस्कृत भी बोलोगे पर संस्कृत भी पढ़ ही रहे हैं ना यू जी सी नेट में तो संस्कृत का सिलेबस भी है हमारे पास संस्कृत भी एक क्लासिकल लैंग्वेज है ऑल दो कॉमनली स्पोकन लैंग्वेज में नहीं है बट डेड लैंग्वेज भी नहीं है तो ये जिन लैंग्वेज की हम बात कर रहे हैं ये कंप्लीटली आउट ऑफ यूज हो गई है कंप्लीटली ऑब्सोलीट हो गई हैं जैसे कि एंग्लो सैक्सन की मैंने बात की नेक्स्ट वर्ड है ऑनोमेस्टिक्स ऑनोमेस्टिक्स इज असेंशली द लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ नेम्स सो एटेमोलॉजी एक वर्ड होता है एटेमोलॉजी इज असेंशली जब आप किसी चीज़ के ओरिजिन को या बर्थ को स्टडी करते हो उसे हम एटामोलॉजी कहते हैं सो नेम्स की एटेमोलॉजी जहाँ पे हम बेसिकली एक पर्टिकुलर नेम किसी चीज के लिए क्यों पड़ा, uh, हम उसके हिस्टोरिकल uh, जो एविडेंस हैं उनको निकालते हैं उस वर्ड की हिस्टोरिकल एवोल्यूशन को यानी कि हम उस वर्ड को डायक्रॉनिकली स्टडी uh, कर रहे होते हैं सो एज टू अंडरस्टैंड द रेलिवेंस ऑफ दैट वर्ड इन दैट पर्टिकुलर कॉन्टेक्सट सो जनरल हिस्टोरिकल वैल्यू गेज की जाती है उस वर्ड की और हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन रिट्रीव करने की कोशिश की जाती है डायक्रॉनिकली उस वर्ड को स्टडी करता है लिंग्विस्ट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट्स ट्रू मीनिंग द वैल्यू दैट इट होल्स इट्स पॉसिबल कॉनोटेशन एटसेट्रा ऑर्गन्स ऑफ स्पीच ऑर्गन्स ऑफ स्पीच आर दोज ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन बॉडी दैट एड इन क्रिएटिंग साउंडस और दैट हेल्प्स इन स्पीच प्रोडक्शन सो आप खुद बताओ मुझे अगर मैं पीछे ये एक बार के लिए स्क्रीन हटा भी दूँ आपके बॉडी में कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो मदद करते हैं आपको साउंड क्रिएशन के लिए फटाफट से बता दो मुझे कॉमेंट सेक्शन में मैं शुरू कर देती हूँ लिखना हेल्प के लिए सबसे पहले तो आई एल से टंग आई एल से वन वर्ड टंग की पोजिशनिंग बहुत ज़रूरी है वेन यू ट्राइंग टू क्रिएट सर्टन वर्ड्स राइट और बताओ फटाफट से ठीक है YouTube में लैग है भाई कुछ सेकंड का पर इतना भी लैग नहीं है लिप्स ओके नोज गुड वोकल कोड्स गुड लैरिंग्स लंग्स पैलेट टीथ लंग्स ये जितने भी एलिमेंट्स हैं आपके हैंड्स फॉर क्लैपिंग नहीं स्पीच प्रोडक्शन ओके लेट्स नॉट से साउंड प्रोडक्शन लेट्स से स्पीच प्रोडक्शन स्पीच लिंग्विस्टिक स्पीच प्रोड्यूस करने के लिए जो आपके uh, वो यूज होते हैं आई आईज आर यूज फॉर आंखों की गुस्ताखियां माफ हो जरूर कहा गया है एक फेमस गाने में लेकिन याद रखें कि आंखें जो है वो मतलब ये नैन मटक्का करना ये स्पीच का पार्ट नहीं है ठीक है हाँ ओके सो वो आपके आपके वो जितने भी आपके बॉडी के ऑर्गन्स जो स्पीच प्रोडक्शन में आपकी मदद करते हैं सब शुरू कर देते हैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल दी ग्लॉटिस द वेलम द पैलेट दी एलवी द एलवीओलर रिज द लिप्स द कोर्स द लंग्स द नेजल कैविटी ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं आपकी ये uh, मदद करती हैं स्पीच की क्रिएशन में फिनेटिक्स एक हमने पीछे अभी पढ़ा था मॉरफोलॉजी आपको बताया था मॉरफोलॉजी इज द स्टडी ऑफ वर्ड्स एंड वर्ड फॉर्मेशन देन वॉट इज फिनेटिक्स फिनेटिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ साउंड आर प्रोड्यूस्ड और साउंडस आर क्रिएटेड ठीक है साउंडस कैसे क्रिएट हो रही हैं तो उसमें आपके वेरियस स्पीच ऑर्गन्स कैसे यूज़ हो रहे हैं तो आपके जो वेरियस बॉडी पार्ट्स हैं जैसे लिप्स हैं टंग्स हैं टीथ हैं फैरिंग्स हैं लंग्स हैं ये मिलकर साउंडस क्रिएट कैसे कर पा रहे हैं इसे हम फिनेटिक्स में स्टडी करते हैं इससे मिलता जुलता वर्ड है फोनोलॉजी फोनोलॉजी वर्ड इज़ सेपरेट इट इज़ मई आई सी अलॉट ऑफ स्टूडेंट्स गेटिंग कन्फ्यूज इन बोथ ऑफ दीज थिंग्स फिनेटिक्स uh, में हम स्टडी करते हैं कि साउंड क्रिएट कैसे हो रही है हमारी बॉडी से फिनोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ साउंड सिस्टम जनरली पूरा लैंग्वेज का सिस्टम जो हम यूज़ uh, कर रहे हैं अपनी यूजेज में लेकर आ ले ले रहे हैं एप्लीकेशन में है वो इसमें जो है स्टडी किया जाता है ठीक है सो अगर हम इसको बहुत ही सिंपल तरीके से देखें फिनोलॉजी

ये भी स्टडी कर रहे हैं कि हमारा जो ब्रेन है वो लैंग्वेज को कैसे समझ रहा है लैंग्वेज को कैसे अक्वायर करता है फिर वंस वी लर्न अ लैंग्वेज हम कैसे अपने ऑर्गन्स uh, को यूज़ करके हम कैसे उसको बोल पाते हैं किस तरीके का कोऑर्डिनेशन है जो हमारी बॉडी में हो रहा है इसे हम फोनोलॉजी uh, कहते हैं अब आपके फिनेटिक्स का, uh, 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 का जो है सॉरी आपके फोनोलॉजी का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है उसे हम फोनीम कहते हैं फोनीम इज दैट स्मॉलेस्ट यूनिट दैट क्रिएट्स अ डिस्टिंक्टिव साउंड। फॉर एग्जाम्पल ठीक है ये सब सेपरेट है स और श में भी डिफरेंस है बिकॉज स इज अ सेपरेट साउंड श इज अ सेपरेट साउंड तो ये आपके सेपरेट फोनीम्स है ईच फोनीम हैज वन और मोर रियलाइजेशन कॉल्ड एलोफोन्स राइट So, ये आपके फोन हो गए नेक्स्ट पिजन मैंने आपको समझाया था पीछे पिजन मैं आपको बता चुकी हूँ क्रियोल आई कुडेंट हैव एक्सप्लेन विदाउट हैविंग एक्सप्लेन पिजन सो पिजन वी हैव ऑलरेडी डन ये आपको नोट्स में इसका एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा सिंक्रॉनिक सिंकरानिक को भी मैं पीछे समझा चुकी हूँ एक बार फिर से बात कर लेते हैं सिंक्रॉनिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज एंड डायक्रॉनिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज सिंक्रॉनिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज इज द स्टडी ऑफ लैंग्वेज एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम इन हिस्ट्री वैन वी लुक एट इट्स पर्टिकुलर पार्ट्स और इट्स बॉडी इट्स ऑब्जेक्ट्स इट्स स्ट्रक्चर डायक्रॉनिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज इज वैन वी स्टडी लैंग्वेज ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इट इज स्टडीड हिस्टोरिकली इट इज स्टडीड थ्रू इट्स एवोल्यूशनरी प्रोसेस फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश लैंग्वेज में सेंटेंस uh, क्रिएशन कैसा होता है वर्ड क्रिएशन कैसा होता है uh, ये हम स्टडी uh, कर रहे हैं इन इन सिंक्रॉनिक्स स्टडी ऑफ 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 इंग्लिश लैंग्वेज डाइक्रॉनिक में हम स्टडी कर रहे हैं कि एंग्लो सैक्सन से लैंग्वेज एंग्लो नॉर्मन बनी एंग्लो नॉर्मन से हम मिडिल इंग्लिश में मिडिल इंग्लिश से मॉडर्न इंग्लिश तक कैसे आते गए शेक्सपीरियन पीरियड में किस तरीके के वर्ड्स की एडिशन हुई सो so दैट आज हम जो इंग्लिश आज बोल रहे हैं वो कैसे बनी वहाँ से ये जो ओवर द इयर्स हम स्टडी uh, करते हैं ये आपका डायक्रॉनिक स्टडी हो गया टफिक्स एनी थिंग दैट वी एड टू अ वर्ड बिफोर और आफ्टर इज कॉल्ड एन एफिक्स एन एफिक्स इज बेसिकली अ स्मॉल यूनिट इट इज अ स्मॉल मॉर्फिम दैट इज एडेड टू अ रूट वर्ड इन ऑर्डर टू मेक अ सेपरेट वर्ड आउट ऑफ इट और टू गिव इट मोर क्वालिटी बेटर कैटेगरी अगर ये वर्ड जी जो एफिक्स है अगर ये वर्ड के पहले आ जाए तो प्रीफिक्स कहलाएगा अगर बाद में आ जाए तो सफिक्स कहलाएगा ठीक है जैसे कि मैं वर्ड यहां लिख रही हूं इंटेंशन ठीक है इंटेंशन अब इसके पीछे अगर मैं लगा दूँ ए एल ये बन गया इंटेंशनल ये आपका सफिक्स है और अगर मैं लिख दूँ अन आगे तो ये बन गया अन इंटेंशनल ये अन आपका प्रीफिक्स है सिमिलरली अगर मैंने मान लो वर्ड की ग्रामेटिकल कैटेगरी ही चेंज करनी है जैसे मैंने वर्ड यहाँ लिखा है स्टोन स्टोन के पीछे मैं एस लगा दूँ तो ये स्टोन्स बन गया ये आपका सफिक्स हुआ राइट सो दिस इज सफिक्स इन प्रीफिक्स मॉर्फोलॉजी टिक्स फोनोलॉजी स्टडी करने के बाद नेक्स्ट हमें देखना है सिंटैक्स को सिंटैक्स इज असेंशली द स्टडी ऑफ सेंटेंसिस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को हम स्टडी करते हैं कि वेरियस वर्ड्स वेर आर वेर आर दे टू बी प्लेस द सेंटेंस इन ऑर्डर टू गिव इट अ बेटर इंटेलिजेबल मीनिंग सो वर्ड्स एक दूसरे के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं सो एज टू फॉर्म एन इंटेलिजेंट सेंटेंस दैट इज कॉल्ड सेंटैक्स ठीक है द बेसिक यूनिट ऑफ अंटेक्स इज द सेंटेंस एक बेसिक सेंटेंस जिसमें एक बेसिक सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट फॉर्मेट हमारा फॉलो हो रहा हो नेक्स्ट आ जाता है टाइपोलॉजी टाइपोलॉजी में हम एसेंशियली ये स्टडी करने की कोशिश करते हैं कि दुनिया में ऑल ओवर द वर्ल्ड सर्टन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव लैंग्वेजेस हाउ दे स्टिल हैव सर्टन कॉमन पैटर्न फॉर एग्जाम्पल से फॉर एग्जाम्पल से प्रॉबली रेड इंडियंस जो लैंग्वेज बोल रहे थे अपनी नेटिव जो उनकी और जो नेटिव अमेरिकन से उनकी जो लैंग्वेज थी अब वहाँ से कोई डायरेक्ट रोड रूट नहीं था इंडिया तक तो अगर हम उनके और संस्कृत के बीच में एक रिलेशन ड्रा करने की कोशिश करें और उनके अंदर कुछ कॉमन रेक्येंट पैटर्नस को स्टडी करें वो हम टाइपोलॉजी में स्टडी करते हैं ठीक है टाइपोलॉजी में सेंचुअली हम स्टडी करें कि वो लैंग्वेज़ जो हो सकता है हिस्टोरिकली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड भी ना हो हिस्टोरिकली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रही हो उसके बावजूद अगर हमें हमें उनमें कुछ रेपिटेटिव कुछ रेकोरेंट पैटर्न देखने को मिल रहे हैं उसे हम टाइपोलॉजी बुलाएंगे मनीषा शुक्ला मैम ब्रिटिश लिटरेचर का मैराथन 12 आवर्स का प्लीज भाई बेटा मेरा लग रहा है मेरा गले से आपको लग रहा है क्या कि 12 घंटे लेने की हिम्मत है मेरी बताओ नेक्स्ट वर्ड द लास्ट वर्ड दैट वी आर गोना डू फॉर टुडे इज जीरो डेरिवेशन जीरो डेरिवेशन इज व्हेन अ वर्ड इन अ लैंग्वेज That holds a particular grammatical function or meaning uh, gets transferred into another grammatical function without its form being changed. For example, breakfast word का यहाँ पे use है, ठीक है breakfast word को हम लोग noun की तरह भी use करते हैं, इसको हम verb की तरह भी use करते हैं. So ये आपका uh, breakfast word इसने अपनी form नहीं change की, इसलिए zero derivation हुई है, but ये noun और verb दोनों की तरह यूज हो पा रहा है इसलिए हम इसे फॉर एग्जाम्पल द वर्ड हिट शी हिट मी विद स्कूटी द कार विज अ ग्रेट हिट ये दोनों ही सेंटेंसेज uh, में आप देखेंगे कि वर्ड ने अपनी ग्रामेटिकल जो है पोजिशन चेंज कर ली है एक जगह ये नाउन की तरह यूज हो रहा है दूसरी जगह वर्ब की तरह यूज हो रहा है ऑल्दो ये वर्ड ने अपनी फॉर्म को चेंज नहीं किया था ठीक है चलिए तो so, आज की इतन ओके ग्रेट सो एग्ज़ाम्स वाला कब तक आ जाएगा आज का डेट क्या है ट्वेंटी नाइन है क्या खट्टी है अरे डेट्स का अंदाजा ही नहीं है आ जाना चाहिए था अब तक पता नहीं क्यों नहीं आया अब तो कभी भी आ जाएगा सो uh, so, कोई बात नहीं uh, सब एक ही साथ आ जाएगा डेट uh, हमें पता ही एग्जाम की तो एनी हाउ आपको डेफिनेटली uh, एग्जाम से तीन से चार दिन पहले मिनिमम इंटीमेशन uh, दे दी जाएगी ताकि आप अपनी टिकट्स एक्सेट्रा बुक कर लें कोई दिक्कत नहीं आएगी सो डोंट वारी अबाउट दैट एट ऑल ऑल राइट एंड अ हम्बल रिमाइंडर टू एवरीबडी आई एम गोइंग टू बिगिन माई जून ट्वेंटी वाला बैच From 18th of December. तो अगर आप बिल्कुल फाउंडेशनल लेवल से ज़ीरो लेवल से यू जी सी नेट इंग्लिश की तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप मेरे इंग्लिश के बैच uh, में अभी इनरोल कर सकते हैं uh, दो तरीके अगर आपको सिर्फ पेपर टू तो इंग्लिश की क्लास लेनी है उसके लिए मेरा फाउंडेशन बैच है जो फोर थाउजेंड समथिंग का पड़ेगा आफ्टर डिस्काउंट एंड मैं वैसे सबको मेगा पैक सजेस्ट करती हूँ बिकॉज उसमें पेपर वन पेपर टू टेस्ट सीरीज़ बुक सब कुछ आ जाता है सो दैट कॉस्ट यू अप्रॉक्सीमेटली सेवन थाउजेंड प्लस ठीक है बट ऑफकोर्स दिस इज़ मोर इकोनॉमिकल ये एक बेटर इकोनॉमिकल प्रोस्पेक्ट है ठीक है डिस्काउंट कूपन कोड है वाई फाइव फोर टू बैच में एनरोल करते वक्त इस कोड का आप यूज़ कर सकते हैं अपने सेवेंटी एट परसेंट के मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए एंड आई थिंक दिस इज़ अ राइट टाइम टू अप्लाई फॉर द बैचेस आई विल टेल यू वाई एक तो बैचेस ये नेट खत्म होते विद इन टेन डेज हम नया बैच शुरू कर ही रहे टाइम नहीं बचेगा बीच में अभी हमारे पास डबल वैलिडिटी ऑफर भी चल रहा है यानी छः महीने का बैच आपको एक साल की वैलिडिटी के लिए मिल रहा है विच इज़ अ ग्रेट ऑफर आई नो स्टूडेंट्स कीप ऑन वेटिंग फॉर द डबल वैलिडिटी ऑफर सो डेफिनेटली डू अवेल इट आप कैसे डिस्काउंट कोपन कोड यूज़ करेंगे मैं आपको वो भी दिखा देती हूँ हमारी वेबसाइट या एप्लीकेशन पर जब आप जाएँगे ऑल कोर्सेज में गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स में आप यू जी सी सेलेक्ट कर लें यू जी सी नेट जून ट्वेंटी ट्वेंटी फ़ोर आप देखेंगे तो टॉप पे आपको मुझे आपको बिल्कुल फ़र्स्ट पे देखो मेरा ये इंग्लिश का अगर आप सिर्फ पेपर वन का लेना चाहते हैं फाउंडेशन बैच वो भी अवेलेबल है इसका तो प्राइस और भी कम है फिर चार हज़ार कुछ का पड़ेगा मेरा इंग्लिश का फाउंडेशन बैच जिसमें सिर्फ पेपर टू इंग्लिश की तैयारी करवाई जाएगी पेपर वन पेपर टू की एक साथ करनी है बुक्स मटीरियल टेस्ट सीरीज़ के साथ तो मैं वैसे रिकमेंड करूँगी मैं मे, मेगा पैक में इन करें तो ये मेगा पैक आपको एक साल के लिए मिल जाएगा इन सब एडिशनल चीज़ों के साथ कोड देख लो ऐसे यहाँ पे कूपन कोड एंटर करने की जगह आएगी कोड एंटर कर लेना और ये आपका डिस्काउंट लग जाएगा डबल वैलिडिटी लग जाएगी एंड ये बैच आपको सेवन थाउजेंड रुपीज़ का पड़ेगा ठीक है चलिए थैंक यू सो मच एवरीबॉडी टेक केयर बाय बाय सब्सक्रिप्शन कहाँ से लेना है ये मैंने आपको यहाँ बता दिया है सब्सक्रिप्शन के लिए वेबसाइट का नाम है ऑर्डर ट्वेंटी एप्लीकेशन से ले लो बेटर है एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और थैंक यू सो मच एवरीबादी बाय बाय टेक केयर